जय हिंद दोस्तों, आज के एक और इस फ्रेश वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल ड्राइव के विषय में, जहां पर अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये गूगल ड्राइव क्या होती है, गूगल ड्राइव का आज के समय में क्या यूज है और आप लोग इसका यूज किस तरीके से और किस काम के लिए कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि आखिर ये गूगल ड्राइव क्या होती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा गूगल ड्राइव गूगल कंपनी की एक फ्री सर्विस है जो ऑनलाइन स्टोरेज प्रोवाइड कराती है। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि हमारे जो मोबाइल फोन होते हैं, हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, उनके अंदर पहले से ही स्टोरेज डिवाइसेस लगे हुए आते हैं, जिनको हम रोम या फिर एसएसडी या फिर हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं, जिनके अंदर हम अपने डेटा को, जो हमारा वीडियो के रूप में होता है, जो हमारा ऑडियो फाइल के रूप में होता है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स के रूप में होता है, ये जितना भी डेटा होता है, इनको हम अपने स्टोरेज डिवाइसेस में कह सकते हैं स्टोर करके रखते हैं अपने डिवाइसेस के अंदर। लेकिन दोस्तों ये जो गूगल ड्राइव है, ये आपको ऑनलाइन स्टोरेज प्रोवाइड कराती है। ऑनलाइन स्टोरेज से मेरा मतलब है कि एक ऐसी जगह इंटरनेट पर जहां पर आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं बिना किसी अपने डिवाइस को काम में लिए, यानी कि आपके मोबाइल की मेमोरी वहां पर नहीं भरेगी, उस डेटा को आप ऑनलाइन इंटरनेट पर गूगल के सर्वर पर स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपको उसको यूज करना है तब आप उसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें हर जो यूजर है, जो गूगल ड्राइव का यूज करता है, उसको 15 GB तक का एक फ्री स्पेस प्रोवाइड कराया जाता है, यानी कि 15 GB तक का वो जितना भी डेटा उसमें रख सकता है वो उसको फ्री में यूज कर सकता है गूगल ड्राइव के अंदर। और तो सबसे अच्छी बात ये है कि आपको अपनी एक जीमेल आईडी से गूगल ड्राइव पर अकाउंट बनाना है, उस पर अपना डेटा सेव करना है और फिर उस डेटा को आप अपने मोबाइल फोन पर यूज कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर पर यूज कर सकते हैं, अपने किसी टैबलेट डिवाइस पर यूज कर सकते हैं। यानी कि डेटा आपको एक बार सेव करना है, लेकिन जो डेटा आपने एक बार गूगल ड्राइव पर रख लिया उसको फिर आप किसी भी डिवाइस के अंदर आसानी से यूज कर पाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 GB तक की लिमिट है इसके अंदर, 15 GB आपको फ्री में स्टोरेज प्रोवाइड कराता है गूगल ड्राइव। लेकिन अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं कि आप चाहते हैं और ज़्यादा स्टोरेज आपको मिले, तो इसके लिए कुछ थोड़े बहुत पैसे देकर आप इसके जो सब्सक्रिप्शन है उसको ले सकते हैं। जैसे अगर आपको मान के चलिए 100 GB की आप यह कह सकते हैं आपको 100 GB यानी कि 1 TB की स्टोरेज चाहिए गूगल ड्राइव पर, तो इसके लिए आपको मंथली यहाँ पर $9.99 यानी कि लगभग $10 के आसपास यहां पर आपको फीस देनी होती है मंथली। इसके बाद आप 100 GB तक का फ्री स्पेस गूगल ड्राइव पर बना सकते हैं, उसके अंदर सारे डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके प्राइस बढ़ते जाते हैं, इसमें आपको 100 GB भी मिलता है, 1000 GB भी मिलता है, यहां पर आपको 1,00,000 GB यानी कि जितना आप यूज करना चाहें उतना कर सकते हैं। इसके अलग अलग प्लान्स यहां पर अवेलेबल हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जो गूगल ड्राइव है ये ऑनलाइन स्टोरेज तो आपको प्रोवाइड कराता ही है, और इसके साथ इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं जिनके तहत जो माइक्रोसॉफ्ट के फीचर हैं, जैसे एक्सेल सीट बनाना, स्लाइड बनाना यानी कि प्रेजेंटेशंस बनाना, और अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप गूगल डॉक्स के अंदर बनाते हैं, इन सभी कामों को भी आप गूगल ड्राइव के अंदर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उन फाइल्स को वहाँ पर बना सकते हैं, उनको वहाँ से शेयर कर सकते हैं, उस पर स्टोर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूं, ये जो गूगल ड्राइव की फैसिलिटी है, इसको आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज कर सकते हैं, जैसे एंड्रॉइड हो गया, आपका iOS हो गया, इसके बाद आपका विंडोज हो गया, इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर आप इस गूगल की जो ड्राइव फैसिलिटी है इसको आप आसानी से यूज कर पाएंगे। दोस्तों और ऐसे जानकारी भरे वीडियोज को फ्यूचर में देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।